जो हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है। हरविंद्र राणा। वर्तमान में युवाओं के द्वारा आत्महत्या और रोड एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े, मारपीट के बढ़ते हुए मामलों पर हिंद युवा महाशक्ति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरविंद्र राणा ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए युवा हित में सभी तक यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया और अभिभावकों से बच्चों पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। संगठित होना सदैव ही हितकारी होता है और यह नियम सभी पर लागू होता है, वह चाहे मनुष्य हो या जीव जंतु। वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या यह भी है कि हमें पता तो सब कुछ होता है लेकिन हम उसको जीवन में नहीं उतारते हैं। हम चाहते हैं कि विपत्ति में हमारा साथ सभी दे, लेकिन हमें स्वयं से भी सवाल करना चाहिए कि क्या हमने किसी का साथ दिया और कहाँ तक साथ दिया। संगठित रहिए और सुख दुख में एक दूसरे का साथ दीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होता है। इस वर्ष में बहुत सारे युवाओं के द्वारा आत्महत्या की गई और कुछ ने कोशिश की लेकिन उनके घर वालों की सजगता के चलते उनको बचा लिया गया। मैं आप सभी युवा साथियों से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कदम उठाने से पहले आप अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी बच्चों या बाकी सभी के बारे में क्यों नहीं सोचते? उस ईश्वर का ध्यान क्यों नहीं करते जिसने एक उद्देश्य के लिए आपको जीवन दिया है? चुनौतियों का सामना करना सीखिए, उनसे घबरा कर गलत कदम मत उठाइए। युवाओं से अपील की है कि जीवन को सहजता और सरलता से जीना सीखिए और खुद को व्यस्त रखिए। संगठित रहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, नियमित रूप से व्यायाम कीजिए और संतुलित आहार लीजिए, क्योंकि आज ज्यादातर बीमारी हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह और गलत खानपान की वजह से हो रही है। हिंदू युवा महाशक्ति सेना टीम का उद्देश्य युवाओं को गलत चीजों से दूर रखते हुए सही के प्रति जागरूक करना है और हमारी टीम हर परिस्थिति में आपके साथ है। युवाओं से निवेदन है कि नशे से दूर रहें और सोशल मीडिया पर भी जरूरी चीजों में शामिल रहें, घरेलू हिंसा और मानसिक तनाव से बचें, वर्तमान में जिएं, जो हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसका आनंद लीजिए। डीपीपी न्यूज से सुभाष चौधरी की रिपोर्ट।